अवैध खनन से जुड़े मामले में ईडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को दूसरा समन भेजा है। सीएम हेमंत सोरेन को आगामी 17 नवंबर को रांची के एयरपोर्ट रोड स्थित ईडी कार्यालय में पूछताछ के लिए पेश होना है। इससे पहले 3 नवंबर को प्रवर्तन निदेशालय ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पूछताछ के लिए समन जारी किया था। हालांकि उस दिन मुख्यमंत्री रांची के एयरपोर्ट रोड स्थित ईडी कार्यालय नहीं गए थे। सीएम सोरेन पहले से तय कार्यक्रम के अनुसार उस दिन छत्तीसगढ़ चले गए थे। बाद में मुख्यमंत्री कार्यालय से एक कर्मचारी कुछ महत्वपूर्ण कागज लेकर ईडी कार्यालय पहुंचा था। मीडिया से बातचीत में उसने भी स्वीकारा था कि वह मुख्यमंत्री कार्यालय से है। माना जा रहा था कि उस पत्र में मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से सीएम सोरेन के लिए कुछ दिनों की मोहलत मांगी गई थी। इस बीच सूचनाएं एवं जनसंपर्क विभाग ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के सभी सार्वजनिक कार्यक्रमों की लिस्ट जारी कर दी थी। इसमें 15 नवंबर तक के सभी कार्यक्रम तय थे। इन कार्यक्रम में 11 नवंबर को विधानसभा के विशेष सत्र में मुख्यमंत्री की उपस्थिति बताई गई थी, जबकि 15 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस में होने वाले कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री की उपस्थिति को दर्शाया गया है। बाकी के बचे दिनों में राज्य के अलग अलग जिलों में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में सीएम हेमंत सोरेन का शामिल होना दिखाया गया था। मिली जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री सचिवालय की ओर से ईडी को भेजे गए पत्र में 3 हफ्ते का समय मांगा गया था, जबकि ईडी की ओर से 1 सप्ताह का समय दिया गया था। अब एक बार फिर से ईडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को दूसरा समन भेज दिया है। इसके बाद सीएम सोरेन को 17 नवंबर को अपना पक्ष रखने के लिए ईडी कार्यालय में पेश होना होगा। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।